शांति ओम शांति ओम शांति। दूसरा एनर्जी क्रिएट करते हैं, उस एनर्जी से सब कुछ चलाता है, पंखा चलाता है, लाइट चलाता है, क्या है वो? क्या है? सोलर। अभी बोलो, सोलर और सन दोनों अलग है या सेपरेट? सोलर और सन दोनों अलग है या सेपरेट है? सूर्य और सोलर एक है क्या? अलग है। किसके प्रेजेंस से सोलर चार्ज हुआ? देख मैं सुनाता हूं, इधर सन, इधर सोलर, ये सन है सूर्य, इसके उपस्थिति के कारण ये सोलर क्रिएट हुआ। इस सोलर से आप लाइट हो, आप फैन हो, आप कोई भी हीटर हो, कुछ भी आप यूज करते हो। सोलर का स्टेज क्या होता है? चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है नहीं होता है? सन का इसमें कोई भी प्रेजेंस होता है क्या? अभी इस लाइट में कुछ गड़बड़ हो गया, उसका कारण सोलर बनता है या सन बनता है? सोलर बनता है ना, सन का उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सन के प्रेजेंस में क्या हुआ? चार्ज हुआ। ऐसे ही ठीक से समझे, ये आत्मा जो है, ये आत्मा जो है सन की जैसे, वो कभी चार्जिंग डिस्चार्जिंग स्टेज में नहीं आते आत्मा, लेकिन आत्मा जब इस शरीर में रहते हैं, एक थोड़ा सा अंतर क्या होता है, खुद को मैं आत्मा हूं इस स्वरूप से डिस्कनेक्ट होते ही यहाँ एक स्वरूप चार्ज हो जाता है, वो स्वरूप को देहाभान कहते हैं, देहाभिमान कहते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, अभी इधर लाइट है, इधर लाइट है, मेरा शरीर इधर है, वो लाइट के सामने मैं इधर आते ही एक छाया क्रिएट होता है नहीं, एक शैडो क्रिएट होता है नहीं होता है? अभी तीन हो गए ना, दो से तीन हो गया, एक लाइट, एक बॉडी, दूसरा क्या है? शैडो। ऐसे ही आत्मा जो है वो लाइट जैसा, आत्मा जब शरीर के कनेक्शन में आता है तो कनेक्शन में आते ही क्या हो जाता है, खुद को मैं आत्मा हूं ये भूलते ही तुरंत एक स्वरूप चार्ज होता है, वो स्वरूप को क्या कहते हैं? अहंकार। उसको क्या कहते हैं? अहंकार। वो अहंकार ही हमारा कर्मों का चार्ज करता है। जब तक हम ओरिजिनलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है तब तक हमको अहंकार चार्ज होता रहता है। इसीलिए बाबा हमको मुरली में प्रैक्टिस करा रहे हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। देखो एक लाइट है, बल्ब है, वो सारी कमरे को रोशनी देते हैं। उस लाइट को आप एक मटका डाल दो, मेरे बात समझो सभी, एक लाइट है, ये लाइट से रोशनी आता है, आपने क्या किया, इस लाइट के ऊपर एक मटका डाल दिया, तो लाइट का प्रकाश बंद हो जाता है नहीं, लेकिन लाइट समाप्त होता है नहीं होता। अभी किसी ने आकर के उस मटके को एक छेद करता है, होल, छेद मना होल करता है, तो ये प्रकाश बाहर आता है नहीं आता? आता है। पूरी तरह से अनावरण हो गया तो उसके ऊपर का आवरण चले गया तो पूर्ण प्रकाश होता है नहीं होता है? हाँ जी या ना जी? ऐसे ही हमारे अंदर आत्मा जो है वो एक शरीर के मटके के अंदर चले गया। अभी बाबा क्या करता है, इस अज्ञान जो बेटा है ना, जो खुद को स्वरूप से डिस्कनेक्ट होकर के अज्ञान स्वरूप से कनेक्ट हो गया है, वो अहंकार का जो आवरण ऊपर आ गया है उसको बाहर निकालने के लिए हमको बहुत बार ये अभ्यास कराते, बच्चे आप आत्मा हो, बच्चे आप आत्मा हो, बच्चे आप आत्मा हो, आप
आत्मा हो, इसका मतलब क्या है? आपके एक मटके के कॉन्शियस में बाबा एक जागृति का क्या कर रहा है? छेद कर रहा है, छेद, एक लेयर निकाल रहा है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? दूसरी एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे एक क्या समझे, लाइट ही समझो, इसके ऊपर पूरा कपड़ा बांधो, पूरा कपड़ा बांधो और लाइट जलाओ। लाइट तो उसमें है लेकिन किस कारण वो बाहर देखने में नहीं आता है? उस कपड़े का प्रभाव है ना। इसे आत्मा में भी कई प्रकार के आवरण है, उस आवरण से बाहर आ गया तो आत्मा का अनावरण स्वरूप में एक प्रकाश निकलता है। वो प्रकाश को कहते हैं आनंद। वो प्रकाश को क्या कहते हैं? आनंद। इसीलिए आत्मा का मतलब हम कितने भी रीति से अपने को समझ जाए लेकिन एक ही मीनिंग है, आत्मा का मतलब सत चेत आनंद। सत मना क्या है? सत मना क्या है? सनातन। सनातन मना कभी नाश नहीं होता है। चित्त मना क्या है? सब क्लियरली इसको समझे। चित्त मना क्या है? ज्ञान दर्शन स्वरूप। कौन सा स्वरूप? ज्ञान दर्शन।